दोस्तों आज बात होगी यूरोप में बसे एक बेहद ही सुंदर देश डेनमार्क के बारे में, जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े ही मजाकिया नेचर के माने जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दे, इस देश का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। इस देश की सीमा यूरोप के ही अन्य देश स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी के साथ साझा करती है। लगभग 42,938 वर्ग किलोमीटर में फैला डेनमार्क दुनिया का 130वां और यूरोप का 30वां सबसे बड़ा देश है, और यहाँ की जनसंख्या 58 लाख से ज्यादा है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 109वां और यूरोप का 22वां बड़ा देश है। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 137 लोग आपको यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। डेनमार्क जिसका कॉलिंग कोड +45 है, और यहाँ के लोग राइट साइड यानी दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों यहाँ के लोगों को डेनिश कहा जाता है, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी डेनिश है, जो यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है, और दूसरी बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, जो यहाँ की 86% लोगों द्वारा बोली जाती है। दोस्तों डेनमार्क में जो करेंसी चलती है उसे डेनिश क्रोन कहा जाता है, जो कि एक डेनिश क्रोन भारत के 11 रुपए के बराबर है। वही धर्म की बात की जाए तो डेनमार्क में रहने वाले 83% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, बाकी अन्य धर्मों से जुड़े हैं। दोस्तों डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं। इस देश में सबके पास अपना काम है, कोई जॉब कर रहा है तो कोई बिजनेस, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां आपको कोई भी बेरोजगार नहीं मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, यहां काम करने वाले कर्मचारी की सालाना इनकम 32 लाख रुपए है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ ना तो हॉस्पिटल का खर्चा देना पड़ता है और ना ही एजुकेशन का। सरकार आपसे एक टैक्स अमाउंट लेती है, फिर उसके बाद आपके लिए सब कुछ फ्री हो जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको कोई भी हद से ज्यादा हसमुख लोग मिलेंगे तो आप समझ लेना वो डेनिश लोग ही होंगे। जी हाँ, यहाँ के लोग हद से ज्यादा मजाकिया होते हैं। क्या आपको पता है, एक सर्वे के मुताबिक डेनमार्क फिनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे हैप्पीनेस कंट्री माना जाता है। शायद आपको पता ना हो, डेनमार्क में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे स्विमिंग ना आता हो। जी हाँ, इस देश में रहने वाले हर आदमी को स्विमिंग सीखना अनिवार्य है। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना फ्लैग किस देश का है? तो चलिए आपको बता दूँ, दुनिया का सबसे पुराना फ्लैग डेनमार्क देश का ही है, जिसे 1219 के दशक में बनाया गया था, जो आज इस महान देश की पहचान है। वैसे आपको बता दे, डेनमार्क देश है तो बहुत अमीर, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, इस देश में कार से ज्यादा साइकिल चलाई जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों के पास किसी भी चीज की कमी है। लोगों का मानना है कि साइकिल चलाने से आप फिट तो रहते ही हैं, और ऊपर से आप नेचर के साथ भी सही करते हैं, इसीलिए यहाँ पॉल्यूशन रेट बहुत कम है, बल्कि कह सकते हैं ना के बराबर है। डेनमार्क दुनिया के सबसे पढ़े लिखे देशों में से एक है। एक सर्वे के मुताबिक 1990 से 2022 तक डेनमार्क की लिटरेसी रेट 99% है, जो कि काबिले तारीफ है। साथ ही आपको बताता चलूं, यहाँ की यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई या कोर्सेज कराई जाती है वो यहाँ की डेनिश भाषा के अलावा जर्मन और अंग्रेजी भाषा में भी कराई जाती है। दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाएंगे, इस देश में इंसान से ज्यादा सुअरों की जनसंख्या है। जी हाँ, यहाँ पर 100 इंसानों पर 218 सुअर रहते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, डेनमार्क में प्यार करने वालों के लिए उम्र जैसा कोई बंधन नहीं होता। साल 2009 में सबसे उम्रदराज जोड़े द्वारा विवाह रचा गया था, जिसमें दुल्हन की उम्र 94 वर्ष थी, जबकि दूल्हा 100 वर्ष से भी ज्यादा उम्र का था। है ना मजेदार बात? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।